गाइज वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स। यहाँ पर कोपा लिबर्टेडोरस लीग का मैच और टॉलरस का डोबा वर्सेस साओ पोलो के बीच 5:30 बजे। एंड बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिर्फ नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, देन साओ पोलो एंड CUR में हम फेवर करेंगे बोथ ऑफ द साइड को। एक्चुअली दोनों टीम अलग अलग लीग की हैं, तभी इनको कोपा लिबर्टेडोरस लीग का नाम दिया गया है। इनमें अलग अलग देशों की टीम खेलती है, लेकिन साओ पोलो का एक मेन इफेक्ट यहाँ से बढ़ेगा कि ये ब्राज़ीलियन सीरी है, कि ये फर्स्ट लीग में खेलती है, मतलब डिवीज़न वन में नहीं है ये टीम, ये उससे भी बढ़कर है कहीं अच्छी। इसलिए साओ पोलो अपनी खुद की लीग में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वो भी ब्राज़ीलियन लीग में, तो इसका मतलब भाई टीम तो इफेक्टिव होगी ही। बाकी अगर ये 2 गोल कर सकते हैं तो सामने वाली टीम भी 1-2 गोल आराम से कर सकती है। इतना मैं आपको कह दूं कि सिंगल साइड फेवर टीम बनाना यहाँ पर थोड़ा रिस्की रहेगा। सो दो अच्छी टीमें आपस में भिड़ रही हैं तो डबल साइड बनाओ। तो बढ़ते हैं आगे। तो स्ट्राइकिंग की अगर बात करें, देखिए भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन में मैं सबसे पहला जो प्लेयर लूँगा दैट वाज जे कैलरी साओ पोलो का सबसे मेन प्लेयर है। अगर ये ना हो तो भाई इनकी टीम में बहुत कुछ भाई बुरा बिगड़ जाए। एक्चुअली साओ पोलो का मेन प्लेयर है जे कैलरी, और अगर ये ना खेले तो पेनल्टी की भी इनको दिक्कत आ जाती, क्योंकि कैलरी इज़ अ ग्रेट पेनल्टी टेकर ऑल्सो, इसलिए मैं इसके साथ जाऊँगा। उसके बाद ना इनका एक प्लेयर है लुकास मोरा करके। एक्चुअली ये वैसे ना मैं कहता हूँ पेनल्टी टेकर इसको बनाना चाहिए, क्योंकि लुकास मोरा जब मैं शुरू में आया था, जब मेरे को आज से 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो ये बंदा हॉटस्पुर में खेलता था प्रीमियर लीग में, और वहाँ पर ये बंदा ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। मतलब जब कोई सामने छोटी टीम आती थी ना, इसको खिलाते थे और ये गोल करता था। अब देखा जाए तो इसके लिए तो सामने वाली टीम छोटी है, तो एल मोरा का गोल आने का चांसेस है लिटल बिट। उसके बाद जे रॉड्रिगस फ्लॉप हो गया भाई बिल्कुल, तो मैं एल गुस्टेवो को लेता हूँ, क्योंकि इस बंदे ने अल नासिर की में बहुत दिन बिताए हैं, इसलिए उसके साथ जा रहा हूँ। उसके बाद एक प्लेयर जो हमने बढ़ाना है दैट वाज न्यूएस्ट। एक्चुअली अगर ना खेला तो उसकी जगह जे सिल्वा खेल सकता है, ए ओलिवेरिया खेल सकता है, लेकिन ये डिसाइड करता है लाइनअप्स पे भाई, क्योंकि लाइनअप से पहले कौन खेलेगा न्यूएस्ट की जगह ये तो कहना मुश्किल है। बाकी जो मेन प्लेयर हैं वो तो हमने ले ही लिए हैं, जिनको जब मैंने एनालाइज किया था वो बहुत मेन थे। उसके बाद अपोजिशन टीम की बात करें, देन गिरोटी, देखिए एफ गिरोटी इज़ द मेन प्लेयर ऑफ CUR टीम। CUR का बहुत मेन प्लेयर है जो कि किसी भी टीम के अगेंस्ट अच्छा कर सकता है। एंड मिडफील्डिंग की अगर बात करें, देन आर सोसा के बाद द नेक्स्ट प्लेयर वॉज, मैं बोटा को नहीं लूँगा बिकॉज आई एम गोइंग विद एम पोर्टिलो, क्योंकि CUR का मेन प्लेयर है पोर्टिलो। वैसे एलेजेंड्रो भी अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क लेना थोड़ा बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि बहुत तगड़ा रिस्क तब ले सकते हैं अगर एम पोर्टिलो ना खेला तो आप ले सकते हो एस एलेजेंड्रो को। अगर वो खेल रहा है और आप रिस्क ले रहे हो तो ये गलत है, अभी आप पोर्टिलो को सेव करो। एंड डिफेंडिंग की बात करें, देन यहाँ पर मैं लूँगा W सैंटोस को, उसके बाद जे मोरेरा, डी कोस्टा को मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि रफीना ने जगह ली हुई है। रफीना इज़ अ मेन फोर्थ डिफेंडर, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है। एंड गोल कीपिंग की अगर बात करें, देन जी हरेरा के साथ यहाँ पर जाएंगे। एंड कैप्टन की बात करें, देखिए कैप्टन आप कैलरी को ही रखो, क्योंकि कैलरी से बेटर ऑप्शन अभी तक मेरी नज़र में नहीं है। और वाइस कैप्टन अभी आप लुकास मोरा को रखो, क्योंकि कैप्टन तो देखो मेरा कन्फर्म है, कैप्टन तो मैं बदलने से रहा। हाँ, वाइस कैप्टन के और भी ऑप्शन है। वाइस कैप्टन का पहला ऑप्शन है लुकास मोरा, दूसरा ऑप्शन है एल न्यूवर्स, तीसरा ऑप्शन है गुस्टेवो। तो अगर आप इतना कंफ्यूज हो गए तो आप टीम नहीं बना पाओगे, इसलिए आप एक डिसाइड कर लो। मैंने डिसाइड कर लिया लुकास मोरा, तो ये हमारी टीम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।